अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ एवरेज शेयर कर रहा हूँ, एवरेज की डिटेल शेयर कर रहा हूँ। ये एवरेज मुझे तकरीबन 19 की मिल रही थी, अभी कुछ 5-7 मिनट में एसी ऑन है मेरा और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, दोस्त का वेट कर रहा हूँ, तो ये 19 से 18.3 आ गई। ये मुझे डेली तकरीबन 18-19 की एवरेज मिलती है। मेरा जो घर से मेरे ऑफिस तक का सफ़र है वो एक इंट्रा सिटी हो जाता है, तो उसमें मुझे जो स्पीड कंटेन रखनी पड़ती है वो तकरीबन 60-70 रखनी पड़ती है। तो इट्स क्योंकि एवरेज जो है, मैं ये सारी चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, एवरेज डिपेंड्स ऑन योर रूट, आपका जो रूट है उस पर बहुत डिपेंड कर रही है। मैं आपको स्टेट्स दिखाता हूँ कि मैंने अभी कितना डिस्टेंस किया है। अभी जब मैं घर से निकला हूँ मैंने तकरीबन 20 किलोमीटर, ये माइलेज आ रही है, 20 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस की है, जो मुझे 5.4 की एवरेज मिल रही है, जिसको आप कन्वर्ट करते हैं पर लीटर्स पे, तो ये तकरीबन वो पर 100 किलोमीटर है, ये पर लीटर्स पे आ जाती है, तो ये तकरीबन 18-19 की एवरेज आ जाती है। द की हाइब्रिड गाड़ी को चलाने की की है, अगर आप इसको पुश करेंगे तो ये एक नॉर्मल इंजन इसका चलता रहेगा, लेकिन बैटरीज को और इसके मैक्सिमम आउटपुट लेने की जो की है वो सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि आपकी ये जो स्पीड है जी, इट शुड बी कंसिस्टेंट। तकरीबन आप अगर 10 मिनट या आप 10 किलोमीटर चला रहे हैं तो आप तकरीबन 50-60 पर रहें, 60-70 पर रहें, आप इसको ज़्यादा पुश ना करें। आप 80 पर भी आपको ईवी मोड चलता हुआ नज़र आएगा, तो ये सिंपल की है, सिंपल फार्मूला है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है, और आपकी जो स्पीड है वो 50 हो, 60 हो, 70 हो, ज़्यादा ब्रेकिंग नहीं करेंगे आप, एक कंसिस्टेंट स्पीड से आप चलते हुए आएंगे तो आपको ये माइलेज मिलेगी। तो ऐसे ड्राइव्स और ऐसी ड्राइव्स और ऐसे रूट्स पे आपको ये एवरेज मिल सकती है। सिटी के अंदर क्या होता है कि आप ड्राइव कर रहे होते हैं, आप ब्रेकिंग करते हैं, ब्रेकिंग से एनर्जी तो रिप्रोड्यूस होती है, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक करते हैं और दोबारा गाड़ी को आप पुश करते हैं तो इंजन जो है वो कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देता है। तो सिटी जिसको कहते होते हैं सिटी में की माइलेज, सिटी की माइलेज में भी डिफरेंस आ जाता है कि इंट्रा सिटी है ये ट्रैफिक से भरी हुई रोड है उस सिटी में। तो ये डिपेंड करता है आपके रूट्स पे, डिपेंड करता है एंड आपकी ड्राइविंग हैबिट्स पे डिपेंड करता है हाउ टू गेट 19-20 एवरेज। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच। ये तकरीबन मुझे 16 की एवरेज मिल रही है, अपडेट मैं कर रहा हूँ। मैं वापस आ रहा हूँ घर के लिए, मैंने क्रूज सेट किया हुआ है। अच्छा, क्रूज इज समथिंग, मतलब आप मोटरवे पे नहीं लगा सकते, आप इस तरह की रोड्स, अब ये देखेंगे किस तरह की रोड है। स्टिल आई एम यूजिंग क्रूज, बहुत एफिशिएंट है एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। 55 पे मैंने क्रूज सेट किया हुआ है, 55-60 कर लेता हूँ कभी, तो ओवरऑल इट्स वर्किंग ऑन ईवी मोड, ये ईवी मोड पे चल रही है। एवरेज इज गोइंग, एवरेज खुद ब खुद ही बढ़ रही है आई गेस। ये मैं सिटी में ड्राइव कर रहा था तब 15 हो गई थी, जब मैं सुबह आ रहा था जो मैं पहले पार्ट में, तो वो तकरीबन 19 थी। तो ओवरऑल जो एवरेज इसकी अगर हम कंबाइन करेंगे ना, वो तकरीबन 17-18 आ जाएगी, घर तक ये अभी ये भी 18 ही हो जाएगी। सो मैं अभी सांडा फी भी देख कर आया हूँ, उसमें यार अडाप्टिव क्रूज ही नहीं है, आप क्या करते हो, आप 1.5 करोड़ की गाड़ी बना रहे हो और आप उसमें अडाप्टिव क्रूज और एडास के फीचर्स नहीं डालते हो। आओ यार, ऑन पेपर, सिर्फ ऑन पेपर वो उसके जो फीचर्स हैं कुछ कुछ अच्छे लगते हैं, वो भी आप जब रियल लाइफ में देखते हैं, इसकी विड्थ ही बड़ी है जी इस गाड़ी की। इट्स अ वेलकमिंग कार, इट्स अ वंडरफुल कार। ये देखिए, खुद ब्रेक किया, आगे को ट्रॉली आई है, मैंने इसको ब्रेक नहीं लगाई, हल कुछ इंडिकेटर, आगे देखूँगा मैं। क्रूज डिसंगेज हो जाएगा अभी, क्योंकि मैंने रेस के ऊपर टेक ओवर करना है, ऑब्वियसली ये रोड दूसरी है। सो ये मैं वापस अपने लेन बनाऊंगा एंड क्रूज विल बी एंगेज्ड अगेन। ये क्रूज दोबारा एंगेज हो गया, क्रूज आप जब रेस पे पाऊँ
रखते हैं तो क्लोज डिसंगेज ऑब्वियसली हो जाता है और आप उसको एंगेज कर लेते हैं दोबारा सिर्फ और सिर्फ राइट जी। इसकी एवरेज तकरीबन 16.1 है। बाकी लास्ट अपडेट में आपको रूट दिखाता हूँ। मैंने एलसीडी को बंद किया हुआ है, एम्बिएंट लाइट के मज़े ले रहा हूँ। तो मैं जैसे घर पहुँचता हूँ मैं आपको इसका एनर्जी स्टैटिक्स और पूरे किलोमीटर्स और माइलेज मैंने कितनी की है वो दिखाता हूँ आपको कि आज मैंने कितनी माइलेज की है, टोटल किलोमीटर्स कितने ड्राइव किया आज मैंने, और मुझे उस पर ओवरऑल कितनी एवरेज मिली है, कलेक्टिव एवरेज। अच्छा जी, आई एम होम और इसकी फाइनल अपडेट करते हैं। मुझे अभी 16.2 की एवरेज मिली है। हम स्टैटिक्स देखते हैं आज के, मैंने कितने किलोमीटर माइलेज की। आप जाएंगे न्यू एनर्जी स्टैटिक्स और मैंने तकरीबन आज 81.6 किलोमीटर्स का डिस्टेंस किया है, जिसमें मुझे इसकी माइलेज जो मिली है ओवरऑल 6.2 बाई 100 किलोमीटर, जो कि 6.2 को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो वो तकरीबन 16.2 किलोमीटर की मुझे एवरेज मिली है, जो कि सुबह मुझे जाते हुए 19 की मिल रही थी। इसमें ये होता है कि मैं रास्तों में रुका हूँ, एसी चल रहा होता है और 5-5 मिनट आपका एसी चलता है, गाड़ी चलती रहती है, तो वो भी थोड़ा सा कंजम्पशन में आता है। ओवरऑल 16 एवरेज अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा अपने किलोमीटर से, इसकी देसी कैलकुलेशन करके, तो ये तकरीबन मुझे 17-18 की एवरेज मिल रही होगी। सो ये आज हम इसको रैप अप करते हैं। ये इसकी जो थी इंट्रा सिटी और इन सिटी टोटल जो इसकी आज मुझे इसने एवरेज दी है, उसके ये सारे स्टैटिक्स और ओवरऑल कि मैंने ये तकरीबन 3 घंटे गाड़ी चली है, 81 किलोमीटर, 3 घंटे 34 मिनट, 3 hours 34 minutes, 81.6 किलोमीटर्स मैंने सफ़र किया है। मेरी रीडिंग्स हो गई हैं, मैंने तकरीबन 11,593 किलोमीटर्स ड्राइव कर चुका हूँ और ये इसकी मुझे इसकी जो माइलेज मिली है। ऑल राइट जी, थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते मैं आपको इसकी ब्यूटीफुल एम्बिएंट लाइट Very beautiful ambient light. I really like it.